हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना वायरस के संकट की घड़ी में देश भर में लॉकडाउन है। इस विकट स्थिति में गरीब, असहाय व फंसे हुए लोगों की मदद हेतु प्रदेश की कई संस्थाएं आगे आ रही हैं। आज शिमला के बैनमोर वार्ड में स्थानीय पार्षद किमी सूद, मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा, जाखू वार्ड की पार्षद अर्चना धवन और हेल्पेज संस्था के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों को जरूरी सामान वितरित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज हेल्पेज इंडिया संस्था ने शिमला के बैनमोर और जाखू वार्ड में बूढ़े, गरीब व असहाय लोगों को राशन और जरूरी सामान वितरित किया है। उन्होंने इस कार्य के लिए हेल्पेज इंडिया संस्था का आभार जताया और इस संकट की घड़ी में सभी सक्षम लोगों को गरीब लोगों की मदद करने को कहा। इस दौरान कुछ दिनों पहले हॉली लॉज के नजदीक मजदूरों के ढारों में हुई आगजनी के पीड़ितों को भी राशन दिया गया। हाथ वाला बैग छोड़ दो ना, आप आते पीछे करो। यहाँ देखो, खाता हो गया। मेरा नाम डॉक्टर राजेश। मेरा नाम डॉक्टर राजेश है और मैं हेल्पेज इंडिया हिमाचल का राज्य प्रमुख हूँ। जैसे कि हेल्पेज इंडिया हम लोग बुजुर्गों के लिए पूरे दुनिया में काम करते हैं, खासकर इंडिया में हम लोग पिछले 45 सालों से काम करते हैं। जैसे कोविड-19 जो पिछले 2-3 महीनों से हमारे पूरे दुनिया में इसका कहर है, इसका जो महामारी फैला हुआ है, इसका सबसे ज़्यादा जो इसका इफेक्ट पड़ रहा है बुजुर्गों के ऊपर। अगर हम देखेंगे जो पिछले कुछ स्टडी देखेंगे पिछले 2 महीने का, जिसमें डेथ रेट है, जो मोर्टेलिटी रेट है, बुजुर्गों का सबसे ज़्यादा है। तो हेल्पेज इंडिया क्योंकि हम लोग बुजुर्गों के लिए काम करते हैं, तो हमने पूरे इंडिया में हमने इसका एक स्टडी किया, तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा बुजुर्गों को प्रॉब्लम जो पिछले 2 महीने से अंदर लॉकडाउन होकर बैठे, उनको अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गए, खासकर डिप्रेशन आने स्टार्ट हो गए हैं, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गए। तो हेल्पेज इंडिया के इस खासकर जो बुजुर्ग लॉकडाउन थे, क्योंकि उनको वो सबसे ज़्यादा इसके लिए वल्नरेबल थे, तो हमारे जो हेल्पलाइन टीम है, जो हम लोग डायरेक्टली उनको कॉल करके हम लोग उनका काउंसलिंग करते थे, हमारे हेल्पलाइन काउंसलर पूरे इंडिया में, साथ में बुजुर्गों का जो क्योंकि लॉकडाउन थे और इनको जो खासकर जो क्रॉनिक डिजीजेज है, जिसमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के मैक्सिमम पेशेंट्स होते थे बुजुर्ग, उनको कैसा उनको ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, क्योंकि वो घरों में रहते थे। तो हमारे जो हेल्थ टीम है, जिसमें मोबाइल हेल्थ यूनिट है हिमाचल में, पिछले जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, हमारे जो 9-11 मोबाइल हेल्थ यूनिट 9 डिस्ट्रिक्ट में घर द्वार पे जाके मेडिसिन हम लोग और हमारे मेडिसिन दे रहे थे और डॉक्टर्स जाके चेकअप करवा रहे थे उनको, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। बट अब 2 महीने होने के बाद जब बुजुर्ग बिल्कुल अंदर बैठ रह गए थे, लॉकडाउन हो गए थे, तो उनको हम जो सोशल डिस्टेंसिंग का वर्ड बोल रहे थे, उससे उनको साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गया था। मेरी खुम्बहादुर है जी, मैं होली लॉज में रहता था, वहाँ हमारा 6 तारीख को, इसी महीने 6 तारीख को जो आग लगी थी, उसके बाद तुरंत जैसे हमारे जिनके पास काम करते कंपनी में, तो उन्होंने भी सहायता कर दिया तुरंत ही, और अगले दिन जो है सरकारी की तरफ से भी मदद मिल गई हमारे को 5,000 रुपये पर फैमिली को, तो उसके बाद राशन पानी भी मिल रही है, अब सब सारा कुछ अच्छा व्यवस्था मिला दिया जी सबने, तो अच्छे से रह रहे हैं जी। 2 वार्ड, एक जाखू और बैनमोर वार्ड जो है शिमला नगर निगम के, उनमें रहने वाले बुजुर्ग लोगों को और कुछ जो जाखू में पिछले दिनों एक अग्निकांड हो गया था, उसमें मजदूरों के ढारे जल गए थे, उनको जो सरकार से या दूसरे स्थानों से भी सहायता मिली है, उनको जो है हेल्पेज इंडिया जो है आज हेल्प कर रही है, जिसमें आटा, चावल, दालें, चाय, चीनी, नमक, तेल, मसाला, मास्क जो है, मास्क, ये सब चीजें जो है उनको, और साबुन विशेष रूप से सबको जो है वो दिया जा रहा है, और जो जिनके धारे जल गए थे उनको कंबल भी जो है आज वितरित किए गए हैं। हेल्पेज इंडिया जो है दुनिया भर में
जो है वो बुजुर्गों की एक सेवा करने वाली बहुत जो है वो पुरानी संस्था है, और शिमला के इसके कोऑर्डिनेटर जो हैं श्री राजेश जी, वो बहुत मेहनत करके जो है वो इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। आजकल शिमला अर्बन और सुमटी कंस्टिट्यूंसी के जो रूरल एरियाज हैं उनमें रहने वाले जो बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, साधन संपन्न नहीं है, वो लॉकडाउन की स्थिति में जिनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी मदद करने के लिए इस प्रकार का ये आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो है वो हेल्पेज इंडिया का, विशेष रूप से डॉक्टर राजेश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इनके साथ ही सारे वॉलंटियर्स का, और दोनों वार्ड से जो हमारे काउंसलर्स हैं अपने डॉक्टर किमी सूद और श्रीमती अर्चना धवन जी, तथा हमारे नगर निगम के पार्षद मेयर श्रीमती सत्या कौंडल जी और डिप्टी मेयर श्री शैलेंद्र चौहान जी भी आज जो हैं इस आयोजन में यहाँ पर आए हैं। हमारे शिमला शहर के अध्यक्ष श्री राजेश शारदा जी भी हमारे बीच में हैं, दोनों वार्ड्स के जो हमारे कार्यकर्ता हैं। मैं सभी के वॉलंटियर्स, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का और यहाँ उपस्थित सभी जन समुदाय का और आप सब पत्रकार मित्रों का भी विशेष रूप से जो है धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन लॉकडाउन के समय जब लोग जो हैं बाहर निकलने के लिए मना किया है उसमें भी आप जो हैं वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।